कहना चाहेंगे सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, छोटे पर्दे के बाद हम फिर से रुक के आपने बड़े पर्दे की तरफ, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आना जाना मेरा लगा रहता है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि मैं काफ़ी वो करती हूँ स्विच। इस किरदार में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत अरसे बाद टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक हैवी करना पड़ता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी, कॉमेडी हो तो ओवर द टॉप जाएंगे। यहाँ पर ये था कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जैसे घरेलू लोग जैसे अपने घर में होती हैं चीज़ें, कि मियाँ बीवी अगर बैठ के बात कर रहे हैं या ट्राइंग क्यों कि भाई बहू और बेटे का कुछ झगड़ा चल रहा है या दो बहुओं का झगड़ा चल रहा है तो हाउ डू वी सॉल्व इट। सो इट वाज वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस। और जो कॉमेडी जितनी भी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सबको, कि आई विश रानी जी और बाकी सब मुश्ताक और वगैरह सब होते साथ में तो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल थिंग। बट एनीवेज वो लोग नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म के और बहुत प्यारा काम किया सबने और बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत हल्की फुल्की फिल्म है ये। तो इफ़ इट इज़ नॉट रिटन वेल एंड इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टेड वेल तो वो सारा ख़त्म हो जाता, आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाता। सो आई डेफिनेटली गिव द मैं श्रेय देती हूँ शाहिद और राइटिंग जिसने शाहिद ने और बाकी लोगों ने जो की, कि बहुत अच्छी और सरल, बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है ये। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले बताया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने वहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया एंड हमको लगा था कि न्यू कमर्स हैं, मगर जैसे काम करना शुरू किया तो हमको लगा है तो काफ़ी मजे ही वो कलाकार दे आर फ्रॉम टेलीविजन, वहाँ पर टीवी में काम करते थे, स्टेज पे काम करते हैं और दे वर रेडी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल न्यू, इसलिए क्या हुआ कि बजा 20 दिन के ये फिल्म 12-13 दिन में कम्प्लीट हो गई, बिकॉज देर ऑल प्रिपेयर एंड और हमको भी उनको देख देख के जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ा। हमको लगा भाई पहला सीन हो गया, दूसरा सीन लाइए हमको, तो हमको लगा ये सब रेडी आर्टिस्ट हैं और आई थिंक इस फिल्म से काफ़ी लोगों को पहचान मिलेगी। हमको तो अच्छा लगा, चैलेंज था, पर उनके लिए भी अच्छा लगा कि हम इंटरेक्शन हुआ और फ्रेश लोगों के साथ काम करने से बहुत मज़ा आया। आई एम रियली ग्रेटफुल। सर, आपने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शाहिद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या खासियत है शाहिद? नहीं, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने शगुफ्ता जी ने बताया, क्योंकि ऐसा था कि इन्होंने हमको बांध के नहीं रखा। जब सीन दिया तो बोले देखिए सीन ऐसा है, आपको अगर कुछ जोड़ना है कुछ करना है तो इस आदमी की अप्रोच फ्रेश थी। जो कई लोग बड़े वो पक्के होते हैं कि नहीं हम तो आपको ऐसे ही हिलना है, वैसे ही करना है, चार कदम चल के निकलना है फिर पीछे आना, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बोला कैमरा ये रहा, ये सीन आपके सामने, मेरा कंसेप्शन ये है। तो ये हर सीन में इनकी अप्रोच बड़ी फ्रेश लगी, विच इज़ एडमिरेबल, जो मुझे लगा कि ये अपने रूढ़ीवादी डायरेक्टर नहीं है, फ्रेश डायरेक्टर है। बिल्कुल जो ट्रेडिशनल डायरेक्टर होते हैं ना वो अड़ जाते हैं, तो अड़ते नहीं थे उसमें। क्या इसलिए आपको लगेगा हर एक का परफॉर्मेंस बड़ा नेचुरल है, जैसे स्पॉन्टेनियस है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा दोनों मीडियम में आपने काम किया, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा बताइए। दे आर टू वेरी डिफरेंट मीडियम्स, वेरी डिफरेंट। यू गेट मॉडलिंग, इट्स टोटली डिफरेंट। आप सीरियल्स कीजिए, बिल्कुल अलग माहौल है, जो मेरे ख्याल में बिगड़ता जा रहा है थोड़ा, जो ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरा कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो बिहेवियर, या जो भी चल रहा है आजकल ट्रेंड टेलीविज़न का वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि पुरानी स्कूल के हैं हम लोग तो थोड़े वैसा चाहते हैं कि वैसे सब चीज़ें हों। तो मेरे लिए मतलब तीनों अलग चीज़ें हैं। अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हिसाब से काम होता है, फिल्म्स का टोटली डिफरेंट है, सीरियल्स का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो देर ऑल 3-4 डिफरेंट मीडियम्स एंड वन हैज़ टू, हम लोगों को बस हर जगह जाकर वो मिक्स होना पड़ता है भजियों की तरह ना, कि जब तक के आलू और सब प्याज और बेसन सब मिलेगा नहीं तो भजी अच्छे बनेंगे नहीं, वैसा वाला हिसाब है। सो वी हैव टू मोल्ड ourselves that way, कि हम सीरियल कर रहे हैं तो उस तरह का माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ रोज़ भाई ऐसा करना है, 9 to 9 ये करना है। फिल्म्स का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आई स्टिल कैन नॉट, इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव नॉट येट यू नो कम्बाइंड और ट्राई टू गेट टूगेदर फिल्म्स एंड सीरियल्स, दे आर टोटली डिफरेंट टू मीडियम्स। Little bit difficult in doing because they're more than 12
out and they're treating like a actor like labor, and they're not taking care of those who are working in absolutely, the field also. Absolutely what correct. What is your take on that? Because the government also not interfere them in this matter. They should, because I was in Sinta, one of the executive committee members, and all the 4 years that I was there in the committee, we used to keep fighting for all these rights, you know, ke ek to hygiene nahi hoti set pe, makeup rooms are very bad, things are taken for granted, ke matlab aap 9 ki shift mein aapko 8:30 baje pahunchna padega, nahi bhai 9 ki shift mein to hamari aadat hai 9 baje pahunchne ki, to unke liye wo aadha ghanta pehle nikliye, phir then the working hours are too much of a stressful job, which is not in films is like 9 to 6 कर लिया, 2 to 10 कर लिया, so somewhere we get that breathing space. सीरियल में आपको ना breathing space नहीं मिलता जब तक कि आप लीड रोल ना कर रहे हो. लीड रोल कुछ भी कर सकते हैं, जो लीड में हैं वो 2 घंटे का लंच ब्रेक भी ले सकते हैं, लीड रोल जो हैं वो फ़ोन पे लगे रह सकते हैं आधा पौना घंटा. तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जब हमने टेलीविज़न शुरू किया जी के साथ, तब से लेके अब तक में बहुत ऐसा है, बिहेवियर पैटर्न जो है बिल्कुल लो होता चला जा रहा है. मैं कौन हूँ? मुझसे पूछ रहे हैं. ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ और मैंने इसमें वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया हुआ. और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो लिखते लिखते मतलब जब मुझे पता चला कि अफरानी जी और वो शगुफ्ता जी कर रहे हैं करेक्टर, तो मैंने ज़िद कर ली डायरेक्टर से कि मुझे ये करेक्टर करना है. और प्रोड्यूसर से आपका कॉन्सेप्ट था, तो इन सब से मिलकर मैंने अपने करेक्टर को लेकर डिमांड किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने करेक्टर किया. हाँ देखिए जी, देखिए ये कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में, मैंने कॉन्सेप्ट शाहिद जी को सुनाया. तो पहले प्लानिंग नहीं थी फिल्म मेरा प्रोड्यूस करने की, तो मैंने कॉन्सेप्ट शाहिद सर को सुनाया, तो हमने स्क्रीन प्ले इसका इन्होंने लिखा, अच्छा डायलॉग्स लिखे, तो फिर मुझे लगा नहीं करनी चाहिए फिल्म. तो ये कॉन्सेप्ट था एक जहन में, फिर मैंने इनको समझाया, तो फिर ये जो फिल्म बनी आगे आकर मैं फिल्म का हिस्सा बनी. फिल्म में जो खास बात है, एक वहाँ के कल्चर जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वहाँ के, कश्मीरी कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है, तो दो फैमिलीज़ की कहानी है उसमें, जो वहाँ का कल्चर है उन दोनों के बीच में जो नोकझोंक रहती है, वो एक फैमिली ड्रामा, वो सारी चीज़ें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा. तो एक कल्चर, एक ब्यूटी, एक सिंपलिसिटी है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एवरी इंडिविजुअल को. तो जब आप किसी एरिया का कोई कल्चर देखते हैं तो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है. असरानी जी एक लेजेंड है इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो, उनके साथ काम करने का जब उन्हें सुना ही था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे. जब वो लोग सेट पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे. और शगुफ्ता जी ने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए, तो उन्होंने मेरे मदर फादर का रोल प्ले किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. शाहिद जी ने अप्रोच किया था जब मुझे बताया गया कि शगुफ्ता जी और असरानी जी है, तो बहुत खुशी हुई मुझे, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई. एज अ प्रोड्यूसर भी और छोटा सा एक्ट भी किया मैंने इसमें, तो एज एक्टर एज प्रोड्यूसर में बहुत खुशी हुई कि मैं जो है सीनियर एक्टर से कैसे काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है और सीनियर एक्टर से खुशी हुई पैसा लगाने में, असरानी जी के साथ लगा रहा हूँ. ओके, थैंक यू, थैंक यू. करना है यार, चलेगा. हाँ, फिल्म के बारे में एक्चुअली एक हमारे जम्मू कश्मीर के दो कल्चर हैं अलग अलग. अभी तक सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर से कोई भी आता है तो हर कोई जानता है कि कश्मीरी है, बट जम्मू कश्मीर में दो कल्चर है. एक डोगरा कल्चर है जो बिल्कुल नॉर्थ पंजाबी स्टाइल का कल्चर है. तो ये दो कल्चर की जब फैमिलीज़ मिलती हैं उसके बारे में है, थोड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं क्योंकि पंजाबी और कश्मीरी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के. तो उसके बारे में एक स्वीट सी कहानी है जो एक्चुअल में रियल कहानी है हमारे एक गाँव की, जो मैंने सुनी थी, मुझे अपील की, तो मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए. इसके लिए सो सॉरी. एक्चुअली क्या है कि वो एक तो कश्मीर में अभी कल से उनका शूट है फिल्म का, दोनों का, और दूसरा ये है कि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो यहाँ से है नहीं है.
तो बट फिर भी वो आ जाती, बट प्रॉब्लम मेन वो है कि उनका शूट है वहाँ थोड़ा फिल्म का, वो भी एक रीज़न है कि वो नहीं आ पाए, तो वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे जिसका वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो एक 12th पास लड़के का कैरेक्टर है, विच इज़ वेरी बॉय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर, और मेरे लिए बहुत अलग कैरेक्टर करने को मुझे मिला, पोर्ट्रे करने को मिला, क्योंकि मैंने जो नॉर्मली पहले कैरेक्टर्स किए हैं वो थोड़े आप कह सकते हैं फंकी और कोल्ड डूड टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो कैरेक्टर था ये बिल्कुल ही एक गांव का कैरेक्टर, एक स्वीट सा इनोसेंट सा लड़का है जो कि 12th पास है और उसकी शादी हो जाती है, और इस तरह का कुछ कैरेक्टर जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्या खास बात लगी आपको? मुझे जब ये स्टोरी शायद ने नरेट की थी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और पहली बात तो ये कि मैंने इस तरह का कुछ भी जॉनर ट्राई नहीं किया है पहले, और ये मुझे बहुत ही अपील किया कैरेक्टर, और यही एक वजह थी कि मैं चाहता था कि इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल करना ताकि मेरी प्रोफाइल में भी वो एक अच्छे से ऐड हो जाए, और आई रियली वांटेड टू डू दिस कैरेक्टर। मुझे लगता है फैमिलीज़ तो चाहे नॉर्थ की हों या गुजरात की हों या कहीं की भी हों, फैमिलीज़ तो रिलेट करेंगी 100%, क्योंकि फैमिली ये हर घर की कहानी है, हर घर में यही होता है, बुरा कोई भी नहीं होता है, बस छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो हर घर में ये होता है कि एक नई बहू आएगी, कई बार बड़ी बहू और छोटी बहू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को हमने ह्यूमर में रखा है, बहुत सीरियस नहीं किया, आगे जाके हल्का हल्का इमोशंस भी हैं, बट ओवरऑल उसको ह्यूमर में रखते हुए हमने वो मैसेजेस भी रखे हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो इनकी बड़ी बहू है वो पढ़ी लिखी नहीं है बट वो बहुत अच्छी इंसान है, बट वो मिसगाइड हो जाती है, वो पंगे करने लगती है, नाटक करती है कि यार मैं तो नौकरानी बन गई, वो तो पढ़ रही है और मैं काम कर रही हूँ मेरे का, तो बट फाइनली उसको भी समझ में आता कि नहीं यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, हर किसी का अपने अपने एक जगह होती है और अपने अपने टाइम पे वो अपनी चीज़ें करता है, तो हर घर की कहानी है ये। क्या मैसेज यही है कि एक्चुअली छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, कि ठीक है एजुकेशन उनके लिए इतना होता है कि 10th हो गया, 11th 12th हो गया, देन कॉलेज भी जा रही है, अगर सडनली रिश्ता आ जाता है तो शादी हो गई तो ख़त्म, वहीं वो थप्पा लग जाता है, लाइफ ख़त्म पूरी तरह से, फिर आप अपने पहले माँ बाप के लिए ज़िंदगी जीते हो, फिर उसके बाद आप अपने पति के लिए, उसके और ससुराल के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए ज़िंदगी, तो लड़की की लाइफ कहीं रहती नहीं है, तो ये एक लौती एक ऐसी लड़की होती है जो चोरी से सुट्टा भी मार लेती है सिगरेट का, जो मन करता है उसको लड़का पसंद है तो बोल रही है कि यार ये लड़का कितना अच्छा, जबकि उसको पता है वो पीछे पीछे आ रहा है उसके, वो खुद ही उसको प्रपोज करना चाहता है, और एक ऐसी लड़की है जो बिंदास है, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, शादी के बाद पढ़ना है, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, घूम फिर के इंसान वहीं आता है, बट ये है कि पॉजिटिव लड़की है और एनर्जेटिक है, और वो एक मैसेज है उसके कैरेक्टर जो है वो पूरा एक मैसेज है कि आप एक लड़की अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती है, वो भी चीज़ उसके अंदर है, ह्यूमर में है बट है। ये ट्रेलर देख के बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि राष्ट्र असरानी साहब ने कहा कि ऋषिदा की याद दिलाई उन्होंने, ऋषि मुखर्जी जोन की फिल्म है ये, और इस टाइप की फिल्में आप कंपेयर तो खैर उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उन कंपेरेटिवली बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन हर फिल्म मेकर ने कहीं छोटे पैमाने से शुरू किया है, तो डिस्करेज किए बिना ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, और शाहिद के साथ मैं इससे पहले एक फिल्म कर चुका हूँ जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, लतीफ़ सलादिन, उसमें मैंने लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और ये फिल्म बहुत प्यारी है, मैंने एडिटिंग पे ही ये फिल्म देखी थी और मुझे पसंद आई थी, और स्पेशली द परफॉर्मेंसेस जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस अर्जुन हैं, सनम हैं, तारिक है, नेहा है, और ऑफकोर्स असरानी जी, शगुफ्ता जी और उनके पेरेंट्स हुसैन भाई, रानी जी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, शगुफ्ता जी ने खुद ही सारे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, सबके सब मंझे हुए कलाकार हैं, जब भी बॉलीवुड से J&K में कोई भी फिल्म मेकर जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे नहीं शायद, यहाँ पे एक्टर्स होंगे नहीं शायद, तो वो मोस्ट मुंबई से ही आर्टिस्ट बुलाते हैं, लेकिन जब मैंने कई बार काफ़ी फिल्मों में ये भी नोटिस किया है, मैं खुद J&K से ही हूँ, मेरी शुरुआत तो कर कुछ फिल्में की हैं अभी तक मैंने यहाँ पे, लेकिन जब भी वो फिल्म मेकर्स वहाँ का टैलेंट को देखते हैं तो दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज, विच इज़ गुड फॉर आर विच इज़ गुड फॉर द लोकल इंडस्ट्री, जो वहाँ की छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है, और काफ़ी सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, हमने भी एक दो फिल्में बनाई वहाँ पे J&K फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और शाहिद के बड़े भाई राहत भाई, मैं, मेरा दोस्त हुसैन भाई, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए वहाँ पे। क्या
That's all. Meet Sarwar sir, वहाँ पे government से कितना support मिल रहा है, like subsidy वगैरह, इस तरीके का कोई प्रावधान? अभी तक ऐसा जैसे कि सब्सिडी की बात है यूपी गवर्नमेंट का जो है और शायद झारखंड में भी शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अप्रोच तो कई बार किया गया। इनफैक्ट हमने भी अपने लेवल पे बात की कई बार गवर्नमेंट से कि कम अप विद सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस। हमने एक फिल्म बनी थी वहाँ पे जिसे जे एंड के गवर्नमेंट और जे एंड के बैंक ने भी सपोर्ट किया था और फिल्म मेकर वॉज फ्रॉम बॉम्बे और हमने उसी का रेफरेंस देके कहा कि लाइक वी आर द मेकर्स फ्रॉम जे एंड के तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट हमें नहीं मिला, थोड़ा सा बेनिफिट मिला लेकिन इन नॉट अगर हम देखें कंपेयर टू 2 करोड़ 4 करोड़ उसके मुकाबले में दे वर लाइक पीनट्स। सो यस, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ की बेसिक लोकल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए काफ़ी काम कर सकती है, बट ये वे देज ए विल देज ए वे, तो हम उसका वेट किए बिना ही अपने एफर्ट्स लगा के चाहे हम